झांसी शिल्प महोत्सव 2018-19 के मेले में आकांक्षा समिति के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें गरीब घरेलू महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास किया गया, जिसमें इन महिलाओं के द्वारा साज-सज्जा का सामान, संक्रांति पर्व पर विशेष व्यंजन फूटा तिल के लड्डू, सफेद तिल के लड्डू, नमकीन व बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मशहूर रामदाना के लड्डू आकर्षण का केंद्र है। इस स्टॉल का उद्घाटन कमिश्नर महोदया कुमुदलता श्रीवास्तव व आकांक्षा समिति की अध्यक्षा जिलाधिकारी धर्मपत्नी सौम्या अवस्थी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर समिति के सदस्य सुमन राय, नीति शास्त्री समेत कई महिलाएं मौजूद रही। समिति का एक ही उद्देश्य है कि घरेलू महिलाओं को कहीं छोटा सा उद्योग देने का, जैसे कि अभी हमारी आकांक्षा समिति के मैंने ये पर्स वगैरह हैंडीक्राफ्ट में बंधन बार बनाए हुए हैं, और अब ये जो तिल के संक्रांति का पर्व आ रहा है तो ये सबको संदेश दे रही हैं कि तिल और ये सर्दियों में अलसी डू जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, ये लाही है खड़ा, इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए मैं उद्देश्य बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव और आकांक्षा समिति ये जो गरीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महोत्सव में आए, अपना पार्टिसिपेट करें और परचेजिंग करें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों से लगते हैं, कोई महोत्सव वगैरह होते हैं तो इसमें उनको आना चाहिए।